ये खत्म करके ही उठेगा। चलो ठीक है, तो एक बार ये से साफ करो टेबल को, फिर दोबारा सील लेंगे। तो गाइज हम लोग शूट के लिए यहाँ आए हुए थे गुड़गांव में, सेक्टर 14 में, संकल्प रेस्टोरेंट करके है। इस पर साउथ इंडियन सारा खाना मिलता है, बड़ा ही मज़ेदार। और यहाँ हमें एक बहुत ही खतरनाक चीज़ पता चली कि इनके पास ना 4 फीट लंबा, इतना लंबा वो है, इतना ना रहे भाई, इससे लंबा रहे 4 फीट, इतना लंबा डोसा है इनके पास। अभी हमने ऑर्डर करा है, तो अभी उसे लेने के लिए 15-20 आदमी आ रहे हैं, वो लेकर आएंगे एक साथ और यहाँ रखेंगे, हम खाएंगे। अभी है नहीं, वरना दिखा देता, जैसे ही आएगा दिखाऊंगा। भूखे दरिंदे तो देख लो एक बार, देख लो खाने के चक्कर में भूखे दरिंदे। खाने वाले 25 लोग हैं और डोसा इतना लंबा है, इतना लंबा देख लो दरिंदे। पुलिस वाले, अच्छा दरोगा साहब भी अपनी तरफ भी दिखा देना, सबसे भूखे तो तुम ही हो। डोसा क्या होता है? तो क्या होता है डोसा? शूट कर रहे हो? कहते क्या है उसे, वैसे ही बता। डोसा, डोसा होता है वो, ढोसा नहीं होता, डोसा। आज इसी चीज की लड़ाई होती है, देखो वो ढोकला होता है, ढोकला होता है, डोसा ही तो होता है। डोसा, 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 ए डोसा। हमारे हरियाणा में डोसा को ढोसा ही बोलते हैं, ठीक है? तो वो डोसा है, हम डोसा खाएंगे, ये डोसा खाएंगे, डोसा। ओके, अभी आएगा तो दिखाऊंगा, मिलते हैं डोसे के साथ। देख रहे हो तुम, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं भाई? डांस है, एक नंबर के स्टेप सीख कर। तो कुछ दिन में मैं अपनी डांस एकेडमी खोलने वाला हूँ, तो गाइज जिसको डांस सीखना हो वो मेरे पास आ सकता है, मेरे को ये वाले स्टेप भी आते हैं, ये वाले है। और फ्री स्टाइल मैं सिखा दूंगा, प्यार से मुझे नचनिया भी बुलाते हैं लोग। अभी वो डोसा दिखाइए, ये पहले तो पहले तो पिंजरा बार में डांस करता था। पहले मैं सर्कस में डांस कर गया था। ये सारी चटनियाँ हैं, बहुत सारी चटनियाँ हैं, और जो डोसा आएगा वो आएगा इतना बड़ा, दिखाइए इतना बड़ा डोसा। यार ये एक माला दिखाता हूँ तुम्हें, दिख रही है? बाल वाल से आ रहे हैं वो मत देखो, ये देखो माला देखो, सेक्सी है, एक नंबर। पटियाला ने मेरे को गिफ्ट करी है, ये अभी अभी घूमती ना इस मारे बड़ी ले आऊंगा। वो कोई गिफ्ट नहीं की गई है, वो छीनी गई है। हमारे में छीनने कोई गिफ्ट कहते हैं। और ये पेश है आपके सामने, टन टन, आओ आओ आओ, छोटे नवाब का बहादुरी करतब आण दे। ओ भाई एनाकोंडा आए इधर ले, कहां कहां भाई? यहीं 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 यहीं। अच्छा खा लिए थे एक लोग, इसे प्यार से एनाकोंडा भी बुलाते हैं भाई। इसको उठा के इधर रख सकते हैं? हां हां, पूरा बहुत भारी है भाई, पकड़े इतना छूट जाएगा मामा से। इसे देख लो, इससे उठ भी ना रहा, 4 फीट का डोसा। आ रही है फोटो? अच्छी फोटो तो खींच ही नहीं रहा ना, मतलब वीडियो पूरी आ रही है, पूरा डोसा दिख रहा है। हां भाई ये खा जाएगा एक डोसा पूरा, ये 4 फीट का? हां हां सर, खा सकते हो। इसका शरीर देख लो एक बार, देख लो भाई खा जाएगा? हां खा ले, कह रहे 4 दिन लगेंगे, बेड खा लेगा, बेड तैयार करवा लेना पर। भाई ये बहुत झूठे आदमी है, इन्होंने लास्ट ब्लॉग में हमारे से मसाज करवा ली, और जब ये हारे ना तो करे यार नींद आ रही है, इतने झूठे आदमी है ये। सबने खा लिया, फिर भी इतना सारा रह गया। बट हम खाने को वेस्ट नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को जरूर देंगे ये। जरूरतमंद को? और वो जरूरतमंद है पटियाला, झूठा नहीं देते, इसलिए सारा यही खाएगा, ये खत्म करके ही उठेगा। चलो ठीक है, तो एक बार ये से साफ करो टेबल को, फिर दोबारा सील लेंगे। खा लिया। हमने जो खाया वो 4 फीट का था, लेकिन इनका जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट है ना ये, मतलब लॉन्गेस्ट, वो कितने फीट का है? ये 30 फीट का है। 30 फीट का रिकॉर्ड है। और ये कितने फीट का एक और बना? 52 फीट का बनाया 2012 में। 52 फीट का बनाया, वो अभी रिकॉर्ड इस पे दर्ज नहीं हुआ है ना? यस। देख रहे हो तुम कितने लंबे लंबे डोसा होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी खाना है, ट्राई करना है, तो ज़रूर आना। ये सेक्टर 14 में, सेक्टर 14 गुड़गांव की मार्केट में है, इनका संकल्प के नाम से। साउथ इंडियन सारा खाना, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब है, और डोसा इनका स्पेशल है ना? यस, एक नंबर। मेरा जो दूसरा चैनल है हाफ इंजीनियर वाला, उस पर मेरे को बैक टू बैक 2 वीडियोज़ डालनी पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं रात को सोया नहीं, मेरे को मतलब बैक टू बैक काम करना पड़ा, और आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो ही जाती है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा सा ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि एक हफ्ते में एक ब्लॉग तो आए ही आए, और ये हफ्ता पूरा होने से पहले आ ही जाता है, मतलब मैं मेहनती तो हूँ इस बात में, तो शक नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लेट है, अगला ब्लॉग जल्दी आएगा, और जल्दी ही आएंगे बाकी सारे, इसमें थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो थोड़ा सा माफ़ कर देना यार। अभी मैं ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा सा नहाया नहीं हूँ अभी, तो इसलिए बीमार सा लग रहा हूँ, तो अलग बात है।
लेकिन हाँ अभी मैं ठीक हूँ। तो गाइज सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बताओ आप किस टाइप के व्लॉग्स और देखना चाहते हो। अगर आपको कोई चैलेंज वाला चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने वो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स गोलगप्पे चैलेंज किया था, बॉलिंग चैलेंज किया था, अगर वैसा कुछ दिमाग में है तो बताओ। दूसरा, जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। आज शाम को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आऊँगा, तो जब मैं लाइव आऊँ तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे व्लॉग से आए हो, मेरे को भी खुशी मिलेगी कि नया व्लॉग चैनल है और वहाँ से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करनी है, कमेंट करना है और शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, बताना है कि नया चैनल है भाई का, सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो फुल प्लान कराओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।